गुड मॉर्निंग, आई एम अंजलि एंड यू आर वॉचिंग सत्याग्नि न्यूज। निजामुद्दीन राइस मैसेज एड्रेस्ड टू हिज फेलो कंट्रीमैन ऑन द ईव ऑफ मौलाना आजाद डेथ एनिवर्सरी, डेथ 22 फरवरी 1958। मां आजाद की एनिवर्सरी पर हम सभी उनको नमन करते हैं। हिंदुस्तान उनका ऋणी है कि मौलाना आजाद जैसी शख्सियत हिंदुस्तान में पैदा हुई और मुल्क की आज़ादी में एक ऐसा रोल पैदा किया कि हिंदुस्तान की सदियों सदियों तक आवाम उन्हें कभी भुला नहीं सकेगी। साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद उस शख्सियत का नाम है जिसने अपने जिंदगी के खूबसूरत और हसीन पल इस मुल्क की आज़ादी के लिए दिया। न सिर्फ मुल्क को आज़ादी के लिए दिया बल्कि हिंदू मुस्लिम दोस्ती के लिए भी मौलाना आजाद को हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाना जाएगा। आप सभी को जानकर हैरत होगी कि मौलाना एक ऐसे कायद, एक ऐसे लीडर थे जिन्हें पूरे तौर पर धार्मिक ओलामा कहा जाए या सियासतदान कहा जाए या एक अच्छा पत्रकार कहा जाए या एक अच्छा साइंटिस्ट कहा जाए या एक अच्छा एजुकेशनिस्ट कहा जाए, हर चीज़ें मौलाना के लिए फिट होती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि मुल्क की आज़ादी के 74 साल होने के बावजूद भी आज तक उनके द्वारा बनाए गए ग्रांड कमीशन जो यूनिवर्सिटीज में लागू हैं उसमें अभी तक भी कोई बदलाव नहीं हो सका। जब हम आप डिजिटल दौर में जीने की बात कर रहे हैं, उस दौर में मौलाना आजाद ने हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पर IIT और IIM कायम करने का काम कर दिया। मौलाना की दूरदर्शिता का हाल ये था कि मौलाना ये जानते थे कि हिंदुस्तान में आने वाली पीढ़ी किस तरह से शिक्षा लेगी, उसका इंतजाम उस जमाने में उन्होंने कर दिया। आज उनके कद का इस मुल्क में कोई नेता है नहीं और कयामत तक शायद कोई नेता मौलाना आजाद जैसा पैदा भी नहीं हो सकता। मौलाना आजाद हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन से प्यार करते थे और उनका यह आलम था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उन्होंने आजाद साहब ने बड़े ही मोहब्बत से हिंदुस्तान से जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान जा रहे थे उनको रोकने का भी काम किया और मुल्क के लोगों को पैगाम दिया कि हिंदुस्तान की सरजमीन आपके लिए उतनी ही अकीदत और मोहब्बत वाली है जितना दूसरे के लिए है। उन्होंने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, ये मुल्क तुम्हारा है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब तुम्हारी है, तुम्हारे आबो अजदाद ने गंगा के नीचे उतर कर जमुना के साथ मिलकर जिस तरह से वजू करके नमाज पढ़ी, अजाने दी, और तुम्हारे खानकाहें यहाँ हैं, तुम्हारी दरगाहें यहाँ हैं, तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई मस्जिदें यहाँ हैं, तुमको पुकार रही हैं लोगों, क्यों तुम हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हो। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा गंगा जमुनी तहजीब का देश है कि हिंदू मुसलमान दोनों के बगैर इस मुल्क की खूबसूरती बरकरार नहीं रह सकती। तो साथियों, आज उनके इस यौम वफात पर हम उन्हें खराए तहसीन पेश करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इस मुल्क के आने वाली नई नस्लें मौलाना को पढ़ेंगी और जानेंगी कि मेरा कायद कैसा था। और खास करके मैं मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि तुम जिस तरह से इस मुल्क में आज़ाद हो उसी तरह मौलाना आज़ाद की चीज़ों को पढ़ो। आप गूगल सर्च करो, उनकी किताबों पर रिसर्च करो और देखो कि तुम्हारे आबो अजदाद ने हिंदुस्तान में क्या नहीं दिया है। तुम्हें कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि ऐ लोगों, तुमसे बड़ा और कौन हो सकता है कि जिसका रहबर मौलाना आजाद था और मौलाना आजाद की कयादत में चाहे पंडित नेहरू रहे हों, चाहे मदन मोहन मालवीय रहे हों, चाहे दूसरे कायदीन इस मुल्क को आजाद कराने में रहे हों, लेकिन सबसे आगे अगर कोई था तो मौलाना आजाद थे। वो गांधी के भी उतने प्रिय थे जितना वो जवाहर के प्रिय थे। इसलिए इस मुल्क का जो धरोहर है उनमें मौलाना का एक बड़ा नाम है। मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूं और देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप मौलाना को पढ़ें और उनके रास्ते पर चलें। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाएं जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।